देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए नाज़रीन एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। नाज़रीन हमने दो रोज पहले ही एक खबर आप लोगों को दिखाई थी कि पावर हाउस की लापरवाही के चलते मालेगांव शहर की आम जनता कितनी परेशान है। आज एक दिल दहला देने वाला वाकया मदनी नगर में पेश आया, जहां पर 7 से 8 साल का एक मासूम बच्चा इसी पोल से करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई है। ये गलती मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि उन्हें ग्राहकों को कैसी सुविधा देनी चाहिए, पोल का सिस्टम क्या होना चाहिए, केबल का सिस्टम क्या होना चाहिए। एग्रीमेंट में उनके मालेगांव शहर में हर साल कहीं करोड़ों रुपया खर्च करने के उन्हें अल्टीमेटम दिए गए थे, लेकिन देखने में ये आता है कि पावर सप्लाई कंपनी पैसा खर्चा करके तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वसूल करने के लिए दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही और पुलिस को साथ लेकर अपनी वसूली जरूर करते हुए दिखाई देती है। आज हम देख सकते हैं कि एक 8 साल मासूम बच्चे की जान यहाँ पर पोल में खम्बे में करंट आने की वजह से चली गई है। अब ये बच्चा जिस घर का गया है, ये उनके घर के लोगों को इस गम का एहसास है, लेकिन पावर सप्लाई कंपनी अपने अंदर क्या बदलाव लाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम लोग कि ये पूरा मामला क्या था, कैसे करंट लगा, इसकी केबल हुई है, इसमें क्या जरूरत थी, इस पर बात करेंगे। तो ये हादसा कितने बजे हुआ? ये हादसा 1:30 बजे हुआ। लोग नमाज चले गए थे, जब ये हादसा हुआ ये बेचारे बहन ने लकड़ी से उसको गिराई, बच्चा छिपा गया था। और रहे तो ये जो है एमएससी बोर्ड, ये पावर कंपनी, ये कंपनी पूरे इलीगल चला रहे हैं। कई भी उनसे पहले मैं 2 बार कंप्लेंट दे चुका, क्योंकि सॉकर लगाओ, चीनी लगाओ, नूडल बराबर करो, लोग ने करे नहीं। इससे पहले बकरी भी छिपी थी, जब भी मैंने फोन करके बुलाया जब भी वो लोग ने करे नहीं। मतलब इनकी हमेशा बोले साल का 20 करोड़ रूपया खर्चा कर रहे हैं, कुछ खर्चा तो कर रहे नहीं, उल्टा कैसे भी आकर थूला चले जा रहे, पब्लिक को परेशान कर रहे, ना कोई टाइम देते ना कुछ कर पा रहे। जिस बच्चे का इंतकाल हुआ क्या नाम है उसका? क्या नाम है? उम्र 6 साल का, 6 साल की उम्र लगेगी। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो आपने पावर सप्लाई कंपनी पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता किया? अभी पुलिस डिपार्टमेंट कम्प्लेट का सबको फोन लगाया, कोई आया ही नहीं। कितना घंटा हो गया इस बार? अभी बोले तो फिर भी बोले 1:30 बजे करे, हमने अभी 3:30 बज रहा, 2 घंटा हो गया, अभी तो कोई आ रहा नहीं। मैंने चीज अभी एक साहब को चिल्ला के बोला, क्या जरा से कोई इलीगल काम करे तो पूरी टीम लेके आ जाते, इतना बड़ा हादसा तुम अभी तक कोई नहीं आ रहे, ये चीज मैंने बोला अभी ये लोग को, तो भी कोई आया नहीं। सलीम भाई क्या मतलब लगता है आपको, मतलब लोगों का जो गुस्सा है अभी बहुत ज्यादा है, क्या करना चाहिए पावर सप्लाई कंपनी? ये इनका क्या काम है, जिस टाइम पे फोन करे तुरंत आके कम से कम एक्शन लेने होना ना। 1.5 घंटे से खाली फोन कर रहे, मेरे को फोन करके वहाँ कंपरवाइज को बुला रहे, पावर हाउस कंपनी के अंदर आओ, पहले आओ, जिसकी औलाद मरी कम से कम उनको देखो तो सही, तसल्ली तो दो कम से कम। अभी अगर किसी का इलीगल मामला कुछ रहता तो पूरी टीम उतर के आ जाती यहाँ पे और चारों तरफ से चौकसी चालू कर देती थी, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। मेरे को फोन कर रहे कि आ जाओ, आशीष साहब का फोन आया, फला जगह के ऊपर आओ, वहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारा काम है यह स्पोर्ट पे आना और स्पोर्ट पे आके चौकसी करना। अभी कम से कम 50 फोन करा, उसके बाद में अभी उनकी टीम आई है, अब देखो क्या करती है। मतलब अब मैं पुलिस स्टेशन जाके आया, मतलब यहाँ से बात करके आया, मतलब आपको उधर बुला रहे? हाँ, मेरे को फोन करके वहाँ पे बुला रहे, बोला तुम यहाँ आओ स्पोर्ट के ऊपर, अभी यहाँ पे आ रहे हो, साहिल सर को भी है, साहिल सर आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे हाथ में दम तोड़ा बच्चे ने। अच्छा, आज हमने लेके गया था? नहीं नहीं, वो लेके गए, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे आप बोलिए? कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? नूर के पास। अच्छा, पहले कहा गया नूर हॉस्पिटल, वहाँ पे किसने सिस्टर ने देखी, बोले लेके जाओ, वहाँ से निकला आया तो हॉस्पिटल में गया, वहाँ मशीन उशीन लगाए, वो मशीन भी बंद हो गई, लेके देखिए। अभी 1.5 से 2.25 घंटे के बाद मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कंटिन्यू फोन करने के बाद 1.5 से 2 घंटे कर्मचारी यहाँ पर, उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी जान चली गई है, लेकिन कोशिश तो उन्होंने की है। उनसे बात करेंगे हम, आपका क्या नाम है?
अच्छा ये क्या देखा आपने, बच्चा खंभे से लटका हुआ? बच्चा खंभे में लटका था, छिपा के आवाज़ बोला नहीं, फिर मैंने लकड़ी लाकर। अच्छा हुआ ना, आपको मतलब ये एहसास हो गया था कि वो चिपक गया? हाँ, उसका आवाज थी, वो कुछ बोला नहीं ना, तो फिर मंदा से लकड़ी लाकर उसको खींची लकड़ी से। अच्छा, तो ठीक। जब वो बच्चा नीचे मतलब लकड़ी से मारने के बाद नीचे छोटा गिरा होगा, तो वो बच्चा जब जिंदा था? नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, एकदम हाथ पर। अच्छा, सांस भी नहीं चल रही थी, फिर उसके पप्पू आए उठाकर वो तो ठीक था ना जाबिर भाई के बच्चे को, मतलब इनको एहसास हुआ, वरना ये हाथ पकड़ के अगर खींच लेते तो ये खुद भी चिपक जाते थे ना। उन्होंने लकड़ी से होशियारी बताई कि लकड़ी से हटा के वो काम करे, मतलब वरना अगर माँ मोहब्बत में खींच लेती तो माँ भी चले जाती, अगर बच्चे को देख लेती तो। मतलब बराबर। फिर अब देखना ये है नाजरीन दर्शकों के इसके ऊपर मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी कितना एक्शन मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी चुप पर, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी पर FIR दर्ज करती है, क्या उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल करती है, क्योंकि ये लापरवाही है, यानी कि हम इसे हादसा नहीं मर्डर कहेंगे। ये पावर सप्लाई कंपनी की लापरवाही से एक 6 साल मासूम बच्चे की जान गई है। मालेगांव शहर पुलिस को, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के ऊपर, MPSL कंपनी जो कलकत्ता की कंपनी है, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल करना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि इस तरीके की लापरवाही मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी आगे से ना करे। और सियासी लीडरान को चाहिए कि ये जो सारी कंपनी मालेगांव शहर में काम कर रही है, इन्हें कायदे नियम रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से इनसे काम करवाया जाए, ना कि इनसे हफ्ते खाए जाए।